दोस्तों जामनगर की सीरीज चल रही है और पिछले एपिसोड में हमने पृथ्वीराज सिंह जी का इंट्रोडक्शन लिया था बहुत ही हेल्दी इंट्रोडक्शन था और बहुत मज़ा आया था उस इंट्रोडक्शन से क्योंकि ये आ, कोकाटेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं और काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो उस नॉलेज का एक्सपीरियंस हमने वहाँ शेयर किया था लेकिन अब बारी है उनका सेटअप दिखाने की और सेटअप में क्या क्या उन्होंने तैयारियाँ की हैं वो देखेंगे तो चलिए दोस्तों पहले वो देखेंगे उससे पहले बाबू आपका फिर से एक और बार स्वागत है थैंक यू सेटअप में आपने क्या क्या किया है ना वो आप अपनी दोर, दोर से बता दीजिए सेटअप uh, तो मैंने यहाँ पे लाइक like, uh, हर एक सेटअप के अपने फायदे हैं अपने नुकसान भी है तो यहाँ पे मैंने सेपरेट केजेस लगवाए हैं ढाई बाई डेढ़ बाई डेढ़ का केज साइज है uh. और उसके अंदर बॉक्स लगवाया है विथ ट्रे uh. अभी बॉक्स का साइज ट्वेल्व इंच बाई टेन इंच बाई टेन इंच है ये बहुत बढ़िया बॉक्स रहता है स्पेस के हिसाब से तो अगर पैर के साथ दो तीन चीक्स हैं तो वो आराम से रह सकते हैं तो ये मेरा सेटअप है जैसे कि आप देख सकते हो थ्री के लेयर में लगाया है पूरा राइट सेटअप के साथ साथ में थोड़ा बहुत डाइट और अ, मिनरल्स और मल्टीविटन मिन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देता हूँ तो लाइक सेटअप के अंदर आप देख सकते हो मैंने कटल बोन लगवाया है कटल बोन के साथ वो मिनरल ब्लॉक भी रखा है राइट right? और लाइक uh, like, uh, डाइट की बात करें तो मैं कॉकटेल्स को खाने में लाइक like, uh, नॉर्मली सीड मिक्स देता हूँ शाम के वक्त साथ में मैं uh, मैकॉन देता हूँ शाम के वक्त मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में मैं बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देता हूँ जिसमें हम बीटरूट दे सकते हैं चॉप करके बीट रूट है कैरेट है आ, उसके साथ स्पिनच है वो स्पिनच थोड़ा कम मात्रा में लेते हैं देन ग्रीन पीज है वो सारी चीज़ें आप वो मिक्स करके काटेल्स को दे सकते हो तो मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड रहता है आ, उसके बाद दोपहर को अगर चिक्स हैं नेस्ट के अंदर तो मैं उसको बॉयल्ड राइस देता हूँ बॉयल्ड राइस बहुत अच्छा रहता है जिससे कि लाइक वो चिक्स को भी अच्छी तरह से खिला सकते हैं प्लस आ, इट्स गुड फॉर बर्ड ऑल्सो और शाम को मैं सिट्स देता हूँ ये मेरा नॉर्मल रूटीन है मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड हो जाएगा दोपहर को बोल्ड राइस हो जाएगा और शाम को सीड मिक्स हो जाएगा मेरा नाम डॉक्टर है बट लोग मुझे प्यार से पृथ्वी बुलाते हैं कॉकटेल सोसाइटी ऑफ इंडिया पृथ्वी के नाम से मैं जाना चाहता हूँ तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है नाइन सिक्स सिक्स टू जीरो फाइव वन टू फोर थ्री अब मेरे को आपका सेटअप बड़ा अद्भुत लगा जैसे ये ऊपर सीट लगी है फिर यहाँ पर लैम्प का सेटिंग है तो वो सारे सेटिंग्स वगैरह भी बताइए ताकि किसी को अगर आपके सेटअप से कुछ सीखना है तो वो सीख सकता है ओके okay, ये सेटअप मेरा टेरेस के ऊपर है तो यहाँ पे हमारे जामनगर में नॉर्मली विंटर के अंदर टेम्परेचर सिंगल डिजिट में हो जाता है सेवन एट डिग्री हो जाता है सिक्स सेवन एट डिग्री तक वो गिर सकता है वही समर के अंदर यही टेम्परेचर है वो बढ़ के हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली थर्टी एट थर्टी नाइन फोटी डिग्री हो जाता है टेम्परेचर तो इसलिए मैंने क्या किया है कि छत के ऊपर मैंने थर्मोकोल का शीट लगाया है अंदर की साइड और उसके ऊपर मैंने लगाया है फ्लोर प्रोटेक्टर शीट इससे क्या होता है कि गर्मी के अंदर हीट नहीं लगती तो बर्ड आराम से रह सकते ये मेरा खुद का नुस्खा है जो मैं नॉर्मल यूज करता हूँ प्लस अंदर की पूरी साइड मैंने ग्रीन नेट से कवर अप कर दिया है दूसरी बात यहाँ पे अभी लैंप लगाया क्योंकि हमारे यहाँ जामनगर में बहुत ठंडी गिरता है तो उस हिसाब से राइट right? uh, ये लैम्प है ना वो बहुत अच्छा काम करते हैं ये सिक्सटी है मार्केट के अंदर हीट लैम्प भी आते हैं राइट right? आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो ये नॉर्मल लैंप का भी इस्तेमाल कर सकते हो ये भी अच्छा इंसुलिन का काम करेगा बर्ड को हीट देगा तो दोस्तों बहुत अद्भुत सेटअप बनाया है इन्होंने और पिछला एपिसोड जरूर देखिएगा बहुत इन्फॉर्मेटिव हमने बातें की हैं तो ये सेटअप में बर्ड्स देखने से पहले हर सेटअप में अब एक फ्लाइट केज का कल्चर शुरू हुआ है जो समझदार ब्रीडर हैं जो अपने बर्ड से परिंदे से प्यार कर रहे हैं तो वो या तो रेस्ट पीरियड में या तो आप कह सकते हैं कि उनके जब बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं तो पहले ही फ्लाइट केज में उनको पंख खुलने के मौके दे देते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है तो ये कितने बाय कितने का है बापू आ, ये पूरा केज तकरीबन सिक्स फीट लॉन्ग है हाइट की बात करें तो साढ़े चार फीट उसकी हाइट है और डेप्थ है तीन फीट का और बापू अब इसमें बर्ड भी बड़े खूबसूरत हैं हाँ। सिर्फ केजी अच्छा नहीं है बर्ड बहुत अच्छे हैं हाँ, सही है, है इसमें से 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 कौन से कौन से है? अभी इसके अंदर आप देख सकते हो पैच में बटरफ्लाई वेराइटी रखा है फिर सेडल बैक वेराइटी कौन सा है वो बटरफ्लाई कॉकटेल है वो बटरफ्लाई कैसे पता चलेगा अभी बटरफ्लाई के अंदर मार्केट में से बहुत से बर्ड होंगे जो लोग आपको बटरफ्लाई बोल के बेचेंगे बट बटरफ्लाई का एक जो पूरा स्पेशलिटी है वो उसका मार्किंग है माने प्रॉपर वी मार्किंग होना चाहिए प्लस उसमें पल्स स्पोर्ट्स होने चाहिए तो ये दो चीजें बर्ड को बटरफ्लाई बनाती है राइट right? ऐसा वाइट फेस में भी सेम आता है सेम वाइट फेस में भी होता है हाँ सेम वाइट फेस में भी होता है अभी मेरे पास म्यूटेशंस uh, की बात करें तो फ्लाइट केज में आलबिनो म्यूटेशंस है देन uh, वाइट फेस ग्रे पलपाइड है uh, देन मिसमार्किंग पलपाइड बर्ड्स है अब दोस्तों बापू के पास आए हैं और डॉक्टर साहब है तो इनसे ज्ञान लेना बनता है तो मैं आपको बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर दिखाऊंगा और बैक टू बैक हम कोकाटेल के एपिसोड बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये म्यूटेशन यहाँ देखने को मिल रही है तो म्यूटेशन के नाम जानेंगे इसमें से बटरफ्लाई कौन सा है ये वो झारी पे जो लगा हुआ है ना ऊपर वाला हाँ ऊपर वाला दोस्तों ये वाला ये वाला ये बटरफ्लाई है ये बटरफ्लाई है ठीक है आ, इसके बाद सांगल में बैठा है वो हाँ उसके बगल में वो सेडल बैक हैवी पाइड है सिनामोन सेडल बैक हैवी पाइड ठीक है और नीचे जो अभी आया नीचे ये पहले वाला ये अभी हाँ ये बटरफ्लाई है जो फर्स्ट फर्स्ट ये फर्स्ट रो में बैठा है ना ये बटरफ्लाई है इसके ऊपर वाला ये ऊपर जाली पे सामने जो लगा लोग उस वाला हाँ नहीं नहीं ये

Uh, थपेड़े भी खाए हैं बहुत बेड एक्सपीरियंस हुए तभी जाके कभी गुड एक्सपीरियंस होते हैं ठीक है तो ये सारे हैं बर्ड है बहुत खूबसूरत है चलिए अब दोस्तों ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखते हैं इसमें ठीक है अभी सबसे हाई म्यूटेशन कौन सी चल रही है कोकाटेल में बटरफ्लाई चल रहा है बटरफ्लाई मार्केट में अभी इंडिया में चल रहा है बटरफ्लाई क्लियर पाइट तो 2023 में कोई अगर करना चाहता है तो कर सकता है उसके ऊपर वर्किंग हाँ कर सकता है बटरफ्लाई का फ्यूचर फ्यूचर, क्यों फ्यूचर है फ्यूचर है बटरफ्लाई का है फेलो का है एमरल्ड का है फ्यूचर है और मार्केट मिल जाता है अगर आ, प्रोड्यूस अगर आप चिक करवा लेते तो मार्केट है अवेलेबल गुजरात में तो है गुजरात में है गुजरात में अच्छा मार्केट है ओके दोस्तों ओवरऑल भी मार्केट वैसे है लेकिन क्योंकि जैसे लवबर्ड में अचानक से धड़ाम से मार्केट गिरा इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसकी ब्रीड करवाना और परफेक्ट मार्किंग लाना पॉसिबल नहीं है इसमें बहुत खूबसूरत बर्ड देखिए दोस्तों पृथ्वी भाई के नंबर फिर से ले लेते हैं और फिर हम सन कर्न्योर की पैर देखते हैं फिर हम कोकाटेल की तरफ बढ़ेंगे जी पृथ्वी भाई नंबर दे दीजिए नाइन सिक्स सिक्स टू जीरो फाइव वन टू फोर थ्री अभी दोस्तों ठंड की वजह से अपने परिंदों के खास ख्याल रखें हो सके उतना आप इनको ख्याल रखिए और ये कुछ अच्छा दिखा आपने ये जाली के अंदर लटका दिया है आ, वो कौन है एक्चुअली स्वीट कौन है हाँ। uh, मेरे को uh, को हैबिट है वो कुछ चीजें नीचे से नहीं खाएगा अच्छा। अगर उसको आप लटकाओगे ना तो वो इजीली खा जाएगा जबरदस्त जबरदस्त देखिए देख सकते आप नीचे पड़ा है वो नहीं खाएगा नीचे पड़ा हुआ है उसको छुआ तक नहीं है दोस्तों और ऊपर जो है उसको अभी पकड़ के वो खा रहा था जब हम लोग बातें कर रहे थे तब वो उसको खा रहा था चलिए सनकन्य देखते नजदीक से जी बापू ये मेल येलो डोमिनेंट में या नॉर्मल सन रेड डोमिनेंट में रेड डोमिनेंट में मेल है जबरदस्त दोस्तों एक ही पेड़ उन्होंने सन कन्यर की रखी है और ब्रीडिंग है इसकी हाँ अभी बच्चे हुए हैं जबरदस्त दोस्तों देखिए ना सिर्फ कोकाटेल में काम करके इन्होंने बच्चे निकाले लेकिन सन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम ब्रीडिंग दिखाते हैं आपको अभी शायद तीन बच्चे हुए हैं चार बच्चे हो गए हैं तो दोस्तों ऊपर वाला नज़र ना लगे, बहुत ही खूबसूरत चार बच्चे हुए हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं बिकॉज फीमेल जो है वो डर रही है और ज्यादा इसको हम परेशान नहीं करेंगे अब चलिए दोस्तों जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं बहुत सारा हमने दोस्तों बातें कर ली अब आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाते हैं तो ये कौन सी पैर है वो पैर जानेंगे और उसके बाद उसकी ब्रीडिंग कैसी है वो जानेंगे और साथ में पृथ्वी भाई को ही मैं माइक के हैंड ओवर करता हूँ वो अपने फूड की डाइट के बारे में बताएंगे कि रोज़ क्या देते हैं वो जी आ, ये पैर है जिसमें वाइट फेस बटरफ्लाई मेल है और पेच बटरफ्लाई में फीमेल है और अभी इसके चिक्स हुए एक चिक्स मैंने दूसरे बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र किया था बाकी दो चिक्स इसके अंदर है उसमें से दो बटरफ्लाई है ऑफ बटरफ्लाई पेस्ट में और एक हेवी पल्पाइड बचा है। जबरदस्त दोस्तों देखिए तो मतलब हाँ, बच्चा बी, बीच में एक साल बहुत खराब रहा था तभी मैं मार्केट से एक बर्ड लेके आया और मैंने डायरेक्ट उसको कॉलोनी में छोड़ दिया अभी उस बर्ड की वजह से मेरे सारे के सारे बर्ड को सूखा हो गया लाइक uh, like, वो लाइट वेट बोलते कॉकटेल इंग्लिश uh, में लाइट वेट बोलते सभी के सभी बर्ड को डायरिया हो गया और ऑलमोस्ट मेरा पूरा लाइक like, फ्लॉक uh, था वो ख़त्म होने को आया था तभी uh, वो रमेश इंदुलकर है बॉम्बे वाले मैंने उससे फ़ोन पे दो तीन बार बात किया और उसकी हेल्प लेके मैंने फिर ये फिर वापस रिकवर किया तो वो बहुत बड़ा झटका मेरे को लगा था अप्रोक्सीमेटली uh, मैंने थ्री चार बर्ड्स तो लॉस कर दिए थे मरी गए थे तो लाइक होबी में एक टाइम ऐसा आता है कि तभी आपको लगता है कि ये सब छोड़ देना चाहिए राइट बट बहुत झटका बहुत लगा है इस होबी में चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेयर की बात करेंगे हम हाँ ये कौन सी है नेक्स्ट पेयर है मिसमार्किंग पल्पाइड ये हेवी पल्पाइड का पैर है अभी नया पैर ही डाला है ये भी एक पलपाइट का पैर है उसके भी अभी बच्चे हुए हैं उसके सेम पेरेंट्स के लाइक पलपाइट बच्चा दिया है म्यूटेशन नॉन से थोड़ा अलग हार्ड है हार्ड है तो जिनको भी मतलब स्टार्ट करना है वो पेज बर्ड से हाँ जिस, जिसको भी ये हॉबी स्टार्ट करना है पेज बर्ड से स्टार्ट करो पेज बर्ड पैचलेस से कम प्राइस में आपको मार्केट से मिल जाएंगे तो वो बढ़िया रहेगा अगर आप पेज से स्टार्ट करो नॉर्मली लूटीन ओग्रेस से स्टार्ट करो पल से स्टार्ट करो पाइट से स्टार्ट करो ये एक और पेड़ है सेम पल पाइड फीमेल है और हेवी पाइट मेल है जो ये नीचे आप देख रहे हो वो मेल है वो भी अगेन शेडल बेग बोल सकते हैं मिस मार्किंग सेडल बेग टाइप मेल है और उसके साथ पलपाइट फीमेल है उसके भी अभी बच्चे हुए हैं दोस्तों देखिए कितने सालों की मेहनत के बाद ये रिजल्ट मिला ये ये कौन सा बच्चा होगा ग्रे वाला हाँ वो ग्रे लाइट पाइड बच्चा है ग्रे लाइट पाइड बोल सकते हो मतलब कि वहां का आगे का म्यूटेशन वो ड्राइव कर हाँ, हाँ. बाकी के बच्चे ये ये फर्स्ट वन वाला बटरफ्लाई मिसमार्किंग बच्चा है उसके बाद में भी लाइट पाइड है चलिए नेक्स्ट ये मेरे घर के बच्चे तकरीबन चार चार महीने के बच्चे एक है क्लियर पाइड मेल है और दूसरा है वो स्पॉटेड फीमेल है अभी मार्केट में ऐसा बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि क्लियर पाइड किसको बोले या आ, किसको बोले तो दिस तो विल बी दी बेस्ट एग्जाम्पल ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा तो एक क्लियर हाँ। पाइड और आलबिनो में डिफरेंस ये होता है अगर आलबिनो की आप फ्लेस में भी अगर उसकी आंखें देखोगे ना तो वो लाल कलर की चमकेगी लेकिन क्लियर पाइड में वो पूरा कलर ब्राउन हो जाएगा ब्लैक जैसा ब्राउन अच्छा ब्लैक जैसा ब्राउन हो जाएगा हाँ ठीक है ये अगेन एक बटरफ्लाई का मेल है और पलपाइट की फीमेल है उसका एक बच्चा ऑलरेडी बाहर निकल गया है एक अभी केज के अंदर है बच्चा सा हुआ वो बटरफ्लाई मिसमार्किंग बटरफ्लाई बोल सकते हैं हैलपाइट बोल सकते हैं ये कोर पैर है उसमें स्पॉटेड फीमेल है और ग्रे पल्पाइट का मेल है इसके अभी चार बच्चे हुए हैं ये जो बाहर आप देख रहे हो बैठा है वो अल्बिनो बच्चा है यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा इसकी आंखें देखोगे ना बच्चे की ये पूरी लाल है अभी इसके अंदर जो एक बच्चा है ना वो क्लियर पाइड है तो आंखों को देख के वो जो सामने बच्चा बैठा है वो क्लियर पाइड है ऊपर जबरदस्त हाँ उसकी आंखों का कलर देख लो आप वो क्लियर पाइट का बिल, बिल्कुल ब्लैक जैसा रहेगा ब्राउन ब्लैक बोल सकते उसको और अभी जो बाहर बच्चा जो बैठा है यहाँ पे वो आलबीनो का बच्चा है वो आलबीनो है तो ये वो डिफरेंस है ये आलबीनो है और अंदर जो है वो ये आलबिनो है तो के ज्यादा मतलब मार्केट वैल्यू है या इसकी अपने आ, क्लियर पाइट की वैल्यू ज्यादा है क्लियर पाइट की वैल्यू ज्यादा आलबिनो की कम है तो डॉक्टर साहब आपके यहां तो हर एक में चार-चार बच्चे हो रहे हैं तो मतलब इसका आपका डाइट प्लान या कुछ अगर बताएं तो जिससे नए ब्रीडरों को थोड़ा हेल्पफुल रहे कि क्या करें कि ऐसे चार बच्चे एटलीस्ट नॉर्मल म्यूटेशन में तो हो जाएं उनके अभी खास तो डाइट की बात करें तो जब कभी भी बच्चे चीक्स होते हैं तो इनिशियली मैं क्या फॉलो करता हूं शुरू के 10-15 दिन में कोई तरह का मैं शॉकड फूड नहीं देता हूं मैं सिर्फ सॉफ्ट फूड देता हूँ जिसके अंदर आ, मैं बीट रूट इस्तेमाल करता हूँ कैरेट इस्तेमाल करता हूँ स्पिनच कोरिएंडर यूज़ करता हूँ स्वीट पोटेटो ले सकते आप उसको स्टीम्ड करके उसको चॉप्ड करके सॉफ्ट एज अ सॉफ़्ट फूड दे सकते बट एक ख़ास बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आप सॉफ़्ट फूड दो तो उस सॉफ़्ट फूड को आप मैक्सिमम दो या तीन घंटे के बाद निकाल लो

प्लेन राइस हाँ चर्बी का प्रॉब्लम नहीं ना नहीं 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 होगा नहीं होगा मेरे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मैं मतलब आप अच्छे से मतलब रेस्ट पीरियड हाँ, तो रे, हाँ सही है और शाम को मैं ये सीड मिक्स देता हूँ और जब कभी भी बच्चे होंगे नेस्ट बॉक्स के अंदर तो मैं एक अलग से बाउल भर के ओट्स और सनफ्लावर भी दे रहा हूँ हाँ भी खाते हैं ओट्स एंड सनफ्लावर दोनों मतलब जैसे आप अपने बर्ड की हैबिट बनाएंगे वैसे वो बर्ड जो है वो ओ, खाने हाँ, लेता है एक्सेप्ट हाँ, करता है वो एवरी संडे में देन ड्रम स्टिक्स भी देता हूँ हाँ दोस्तों मेरे जो गुजराती लोग हैं उनको कह दूँ हम सरगवे की जो सिंगे होती हैं उनको ड्रम स्टिक्स कहा जाता है तो उसके पन्ने भी है उसके लिए हाँ, अच्छे रहते हैं पन्ने भी अच्छे रहते हैं प्लस आप स्टिक्स भी दे सकते हो ठीक है ये क्लियर पाइट फीमेल है और ये मेल है ये ग्रे पल पाइट का मेल है मेरा खुद का ब्रीड है होम ब्रीड है और उसके साथ क्लियर पाइट फीमेल लगाई है क्लियर पाइड अभी जो आपने समझाया वही राइट हाँ, वही वही और उसके बच्चे हैं ये दोनों नहीं वो इन दोनों के बच्चे नहीं अभी ये फोस्टरिंग है पेरेंट्स वो दूसरों के बच्चे खिला रहे हैं एक्चुअली वो पैच वाला बच्चा है ना वो बटरफ्लाई का बच्चा है ये वाला फर्स्ट वन वो अभी दूसरी पैर का बच्चा है ठीक है चलिए दोस्तों आखिरी पेड़ की तरफ बढ़ते हैं बहुत एंटरटेनिंग बहुत मजे वाला एपिसोड बना है बहुत कुछ सीखने को मिला अगर कोकाटेल म्यूटेशन में अगर आप काम करना चाहते हैं पृथ्वी इनका नाम है फिर से नंबर ले, ले लेते हैं आखिरी पेड़ देखने से पहले नाइन सिक्स सिक्स टू जीरो फाइव वन टू फोर थ्री चलिए आखिरी पेड़ देखते हैं मार्किंग दिखाने की कोशिश में कर रहा हूँ ये मिसमार्किंग मेल है सेडल बैग का और उसके साथ पलपाइट फोन फीमेल लगाया है ये मेल है इसके भी अभी बच्चे बहुत अच्छे मार्किंग है एक आलबीनो निकला और बाकी के दो आ, सेडल आ, होंगे फोन सेडल तो दोस्तों बच्चे ही बच्चे हैं तो ये आपको फॉलो करना है मैंने पृथ्वी भाई का इतना बड़ा एपिसोड बनाने का यही है कि आप लोग भगा कर अगर एपिसोड देखेंगे तो आपके कुछ काम का नहीं रहेगा तो जिनको ए, ट्रू बर्ड लवर बनना है पूरा एपिसोड देखिए एक एक शब्द को पकड़ के ध्यान से सुनिए ये फीमेल की मार्किंग देख लेंगे एक बार तो चलिए अब दोस्तों चलेंगे यहां से बहुत कुछ खजाना लेकर जा रहे हैं पृथ्वी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना इंफॉर्मेटिव एपिसोड बनाया है सही में मेरी ऑडियंस <coughs> जो है वो धन्य धन्य या सौभाग्यशाली कहूंगा कि इतना इंफॉर्मेटिव एपिसोड बिकॉज हिंदी में लोग ब्रीडिंग प्रोग्रेस बहुत दिखाते हैं लेकिन साथ में इंफॉर्मेटिव इतनी नहीं होती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर